पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। बुखार उतर रहा है आपका, चिंता मत कीजिए, अब जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। सरकार, सरपंच जी। प्रणाम सरकार। प्रणाम। बहुत दुख हो रहा है हमें यहां की दशा देखकर, आत्मग्लानी हो रही है। अपने आप को अपराधी महसूस कर रहे हैं कि हमारे राज्य में हमारी प्रजा गंभीर बीमारी से जूझ रही है, वो भी हमें से किसी एक व्यक्ति के कारण, क्योंकि ये प्राकृतिक विविधता तो नहीं लगती, पर आप निश्चिंत रहिए, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसे सजा दी जाएगी। सरपंच जी, हमें यहां की कार्यप्रणाली के बारे में बताएंगे आप? मतलब अनाज कब और कैसे गांव तक आता है, आपको कब सूचित किया जाता है, और आप किस तरह अनाज का वितरण करते हैं? सरकार, गोदाम से अनाज लेकर श्यामजी नाम का एक कर्मचारी रोशन बावड़ी के रास्ते लिम्बोड़ी गांव आता है और रात भर अनाज यहीं रहता है। इसकी सूचना मुझे दी जाती है और फिर अगले ही दिन हम उस अनाज को गांव के हर घर में बांटने का काम पूरा कर देते हैं। सब भोजन आरंभ कीजिए। आप आज भी भोजन नहीं करेंगी? संक्रांति पूजा के लिए 2 दिन का व्रत संकल्प किया है मैंने। आप सबके भोजन के बाद पूजा की समाप्ति करूंगी, फिर प्रसाद के साथ ही व्रत तोड़ूंगी। पिछले दिनों बहुत कुछ हुआ था आपकी वजह से, कि छोटी रानी के मन में धर्म और शास्त्रों के लिए तनिक भी आदर नहीं है, नास्तिक है वो, पर अब लगता है वो सब सत्य नहीं है। 2 दिनों से देख रहा हूँ मैं आपको, जितनी निष्ठा और श्रद्धा से आप राजपाट संभालती हैं, उतने ही लगन और विश्वास के साथ आप धर्म काज भी करती हैं।
ईश्वर आपको और शक्ति दे, दिन दुनी रात चौगनी आप उन्नति करें। पंडित जी, मालवा के कल्याण का आशीर्वाद मांगती हूँ मैं आपसे। बस प्रजा का उत्थान होगा तभी तो हम सबकी उन्नति होगी, बरकत होगी। क्या हुआ? मल्हार सरकार गांव में आ गए हैं, छानबीन भी शुरू कर दी है उन्होंने, सबसे बातचीत कर रहे, सरपंच भी उनके साथ में है। हाँ हाँ पता है, पूछताछ तो मुझसे भी किया उन्होंने, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अपने सभी खुफिया ठिकानों को मैंने पहले ही बंद करवा दिया है, मल्हार सरकार वहां तक नहीं पहुंचेंगे। पर कल तो अनाज बांटना है गाँव में, उसका क्या करें? जो करते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, और यदि कल गांव वालों को अनाज नहीं मिला तो सभी को शक हो जाएगा। आप कहो तो इस बार गोदाम से आया हुआ अच्छा अनाज बांट। ऐसा सोचना भी मत, उस अनाज से दुगने दाम मिलेंगे हमें, इस बार भी फायदे का सौदा है, अपने ही हाथों से अपना नुकसान नहीं करना है मुझे। लेकिन फिर थोड़ा जोखिम उठा लो, एक दिन सारे खुफिया ठिकानों से अनाज बांट कर ताला लगा दो। चलो चलकर देखते हैं मल्हार सरकार की पूछताछ कहां तक पहुंची है। तुम्हारी नीयत पर हमें पहले से शक था, इसलिए यहां तुमसे आकर मिलने की बजाय सोचा तुम्हारी हरकतों पर नजर रखी जाए। हमारा शक यकीन में बदल गया, तुमने खुद अपने मुंह से अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इस महामारी का कारण तुम और तुम्हारी लालच है। चलो अब मल्हार सरकार के पास, वही तुम्हारा इलाज करेंगे। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।